नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश शर्मा और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट में लोकल स्टोरेज को आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, लोकल स्टोरेज की रिक्वायरमेंट क्या है पहले हम उसे डिस्कस करेंगे। लोकल स्टोरेज होता क्या है? बेसिकली HTTP प्रोटोकॉल जो है, जो आपकी रिक्वेस्ट को सर्वर पे सेंड करता है और सर्वर से जो रिस्पॉन्स आता है उसे क्लाइंट पे शेयर करता है। तो ये जो HTTP प्रोटोकॉल होता है, दैट इज़ द स्टेटलेस प्रोटोकॉल। स्टेटलेस प्रोटोकॉल का मतलब क्या है कि यूज़र ने कोई डेटा फॉर्म के अंदर फिल किया, सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करा, सबमिट पर क्लिक करने पर वो डेटा सर्वर पर जाता है, ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर होने के बाद HTTP प्रोटोकॉल उसे कहीं मेंटेन नहीं रखेगा। मेरा काम सिर्फ भेजने का था, वो जा चुका है, वो डेटा मेरे पास नहीं है। अब ऐसी कोई कंडीशन आती है जिसमें आपको वो डेटा रिट्रीव भी करना हो तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए या तो हम ये कर सकते हैं, उसे डेटाबेस में स्टोर करें, ठीक है, कि आपने फर्स्ट टाइम पर जब यूज़र ने डेटा फॉर्म के अंदर फिल करा था, आपने क्या करा कि सबमिट करने पर डेटाबेस में डाल दिया। अब नेक्स्ट पेज आता है जिस पर आपको वो डेटा रिट्रीव करना है एज ए प्रीव्यू के फॉर्म में, तो आप क्या उस डेटाबेस से डेटा को पिक करके लाएं, देन वो डेटा आपके सामने शो हो जाएगा। अब इसमें क्या है, एक तो दो तीन टास्क हो गए, क्लाइंट से डेटा जा रहा है सर्वर पे, वहाँ डेटाबेस में जाके स्टोर हो रहा है, तो उसके लिए कोई सर्वर साइड टेक्निक का यूज़ करेंगे आप, देन आप उसे रिट्रीव करने के लिए सर्वर साइड टेक्निक का यूज़ करेंगे लाइक .NET, PHP, रूबी ऑन रेल्स, कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। बट इट इज़ द टाइम कंज्यूमिंग, और ऐसा भी हो सकता है यूज़र ने जस्ट एक ऐसे टाइम पास करने के लिए डेटा सबमिट किया था और वो डेटा सबमिट हो गया और उसे फिर दोबारा से जाके सबमिट कर देता है, तो अननेसेसरी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे इन योर डेटाबेस। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी हैव टू टेक्निक्स। फर्स्ट वन इज़ द कुकीज़ एंड सेकेंड वन इज़ द लोकल स्टोरेज। कुकीज़ में क्या रहता है कि जो डेटा होता है आपका वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता, ठीक है, और कुकीज़ में जैसे आप जो डेटा स्टोर कर सकते हैं वो 4KB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ लोकल स्टोरेज आप 10MB तक के डेटा को स्टोर कर सकते हो। तो इसे समझाने के लिए मैंने एक जनरल एक फॉर्म बनाया है, आप ये फॉर्म देख सकते हैं, जिसमें आप ये देखें इनपुट टाइप टेक्स्ट आ रहा है, नेम TXT1 है, ID TXT1 है, एक इनपुट टाइप बटन लिया जो बेसिकली सेट स्टोरेज मेथड को कॉल कर रहा है, तो ये मेथड मैंने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है, और एक गेट स्टोरेज के नाम से मेथड बनाया जो भी मैंने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है, तो ये बटन गेट स्टोरेज यानी कि स्टोरेज से डेटा को उठा के और इस स्पैन टैग के अंदर शो कर देगा। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ता है, जो लोकल स्टोरेज होते हैं वो आपके की वैल्यू पेयर्स होते हैं, तो लोकल स्टोरेज के अंदर वैल्यू सेट करने के लिए वी हैव द मेथड दैट इज कॉल्ड सेट आइटम। सेट आइटम में क्या करेंगे, आप पहले की डिफाइन करेंगे देन वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो की क्या है, की कुछ भी हो सकती है, इट इज़ द यूजर डिफाइंड। आफ्टर दैट यू कैन पिक द वैल्यू ऑफ कंट्रोल थ्रू द DOM API। सो document.getElementById.txt1.value, क्योंकि आईडी आपने txt1 दिया हुआ है इस कंट्रोल का, तो txt1 की वैल्यू आपने पिक करी और यूजर डेटा के अंदर पास कर दी। अब आप रिट्रीव करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, जो आपका स्पैन टैग है आप इसे पहले पिक करेंगे थ्रू द DOM API। यू आर पिकिंग दैट यूजिंग document.getElementById.span1.innerHTML। innerHTML जैसे डिप टैग, पैराग्राफ हो गए, स्पैन टैग हो गए, जहाँ टेक्स्ट को हम डायरेक्टली पास कर दें, तो वहाँ innerHTML यूज में आता है। तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, गेट आइटम इज द अनदर मेथड ऑफ लोकल स्टोरेज बाय विच यू कैन गेट द डेटा एज पर द की वैल्यू। तो यूजर डेटा के नाम से आपने जो की डिफाइन करी थी उसी की से आपने गेट आइटम के अंदर पास कर दिया, तो जो वैल्यू होगी वो आपके यहाँ innerHTML के अंदर पास हो जाएगी। अब आप एक बार इसे एग्जीक्यूट कराएं। इसे एग्जीक्यूट कराने से पहले मैं आपको, यहाँ एक नेटवर्क एप्लीकेशन होती है, आप यहाँ देखें ये कुछ डेटा आपका पहले से स्टोर होकर आ रहा है, मैं इस डेटा को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने लोकल स्टोरेज के डेटा को रिमूव कर दिया। अब आप देखें यहाँ मैं वैल्यू अगर पास करता हूँ, लाइक मैंने पास किया योगेश शर्मा सेव इन लोकल स्टोरेज, तो आप देखें यूज़र डेटा के अंदर योगेश शर्मा वैल्यू चली गई, और इस वैल्यू को आप गेट भी कर सकते हैं यूजिंग गेट फ्रॉम लोकल स्टोरेज, तो इसके ऊपर क्लिक करने पर ये वैल्यू आपको यहाँ मिल जाती है। तो इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट के अंदर लोकल स्टोरेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।